हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप कंप्यूटर के अंदर किसी सॉफ्टवेयर को डिलीट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाना है। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद आपको सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको दिखाई देगा एप्स, आपको इस एप्स पे क्लिक करना है। एप्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। जैसे मान लीजिए मुझे अपने कंप्यूटर में से डिलीट करना है अपने व्हाट्सएप को, तो यहाँ से मैं व्हाट्सएप को सर्च करूंगा। जिस तरीके से मैंने ये व्हाट्सएप देख लिया है, इस पर मेरे को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहां से लिखा आएगा अनइंस्टॉल, अनइंस्टॉल पे क्लिक करना है। अनइंस्टॉल पे इस तरीके से क्लिक करने के बाद मुझे कर देना है ओके, और देखिए अनइंस्टॉल, अनइंस्टॉल, और देखिए यहां पर ही अनइंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। तो देखिए गाइस, यहां से गायब हो चुका है ऑटोमेटिकली अनइंस्टॉल करते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी विंडो 10 में किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।